नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे अपने गांव के स्टाइल में बरबट्टी की बीजे की सब्जी, तो जिसको हमने रात में ही भिगो कर रख दिए थे और ये अच्छी तरह से भीग गई है। तो अब हमने इसको धो लिए हैं और धोकर हम इसको कुकर में डालकर उबालने वाले हैं। तो उबालने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाल दिए और इसमें हम धुली हुई बरबट्टी के बीज को डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक और नमक डालकर हम ढक्कन को लगाकर इसको चूल्हे पर बैठा देंगे। अब हम इसमें 4 से 5 सीटी आने देंगे। चार से पांच सीटी हो गई है, तब हमने इसको उतार दिए। अब हम चूल्हे पर रख देंगे कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल और तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के जीरा और जीरा के चटकते ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे प्याज। तो 1 मीडियम साइज के प्याज को हमने काट लिए थे तो इसको हम डाल दिए और एक बार हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ा गुलाबी होने तक भून लेते हैं। तो ये देखिए प्याज गुलाबी हो गए हैं, तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट को डालकर हम आधे मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च। हरी मिर्च को डालकर एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज के बारीक कटे टमाटर और टमाटर को डालकर हम एक बार मिक्स कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। तो नमक डालने से जो टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो इन सारे मसाले को हम भून लेते हैं और इस सब्जी के टेस्ट को हम और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के मैगी मसाला और मैगी मसाला डालकर हम अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। तो देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने जो उबाल कर रखे थे ना बरबट्टी के बीज, तो सारे बीज को हम डाल देंगे और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ग्रेवी वाली पसंद हो तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा और इसमें हम डाल देंगे ऊपर से हरे धनिया की पत्ती और इसको हम ढक देंगे और ढककर हम इसको 5 मिनट उबलने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो देखिए हमारे सब्जी में अच्छी तरह से उबाल आ गई है। तो अब हम सब्जी को उतार लेते हैं और ये लीजिए दोस्तों हमारे गर्मा गर्म बरबट्टी की बीजे की स्वादिष्ट सब्जी रोटी के साथ परोसने के लिए तैयार है।